अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जॉब सेंटर एंड जीके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए बीएससी डिग्री का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का फैसला किया गया है, जिसके तहत ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 5 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आप कैसे देख सकते हैं, ऑनलाइन इम्तहान देने से पहले जो ज़रूरी हदायात हैं, जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों और उन तमाम हदायात के बारे में आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे, ताकि तलबा को पता चल सके कि ये ऑनलाइन इम्तहान जो है इन्होंने कैसे देना है। तो दोस्तों, ऑनलाइन इम्तहान जो है वो 5 अगस्त को होगा। उससे पहले जो है वो डेमो यानी मशकी इम्तहान जो है वो 28 जुलाई 2020 को 4 बजे शाम जो है वो होगा। ये इम्तहान आपने ज़रूर देना है, ताकि आपको पता चल सके कि ऑनलाइन इम्तहान जो है वो कैसे दिया जाएगा। ये एक किस्म की रिहर्सल है असल एग्ज़ाम की। इसमें जो है वो आपको डेमो के तौर पे एक इम्तहान जो है वो आपसे लिया जाएगा तो इम्तहान देने से पहले जो है वो हदायात हम देख लेते हैं। शोबे इम्तहान है बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री साइंस और आर्ट्स। सालाना इम्तहान 2020 की रोल नंबर स्लिप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। रेगुलर स्टूडेंट्स अपने मुतलका कॉलेज से अपनी रोल नंबर स्लिप हासिल करें और प्राइवेट स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपना डाटा, जीमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप अपलोड कर दिया था, उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल कर दी गई है। इसमें सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र SCB को डाउनलोड करने का लिंक भेजा गया है। स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लें। ये एक ब्राउज़र होता है जैसे गूगल क्रोम है, ऐसे ही ये एग्ज़ाम देने के लिए एक जो है वो ब्राउज़र बनाया गया है। इसको आपने डाउनलोड करके जो है वो इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने का लिंक जो है आपको जरिया ईमेल यूनिवर्सिटी की तरफ से भिजवा दिया गया है। इसके बाद जो है आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये ब्राउज़र सबसे पहले आपने जो है वो इंस्टॉल करना है। उसके बाद ऑनलाइन इम्तहान के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 10 अपडेट वर्जन के साथ होनी चाहिए, ताकि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हुए कोई दुश्वारी ना करनी पड़े। ये SCB जो ब्राउज़र है ये कंपेटिबल विंडो 8.1 या विंडो 10 के साथ है। इससे नीचे कोई भी वर्जन जो है आपने विंडो का इंस्टॉल नहीं करना। इसके अलावा इंटरनेट जो है आपके पास अच्छी क्वालिटी का, उसके साथ कैमरा और हेडफोन होना भी लाजम है। जिस कमरे में आपने इम्तहान देना है वहाँ कोई और शख्स मौजूद नहीं होना चाहिए। जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल भेजी गई है उसके आखिर में मॉक डेमो का लिंक दिया है। आप इस लिंक पर क्लिक करें और अपना लॉगिन या पासवर्ड लगाकर सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में दाखिल हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आपका इम्तहान शुरू हो गया है। मॉक इम्तहान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेपर वाले दिन किसी स्टूडेंट को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। पेपर वाले दिन आपको मीटिंग का लिंक भेजा जाएगा और पेपर भी भेजा जाएगा जो कि आपने हल करना है। जो मीटिंग का लिंक है वो आपको पेपर से 30 मिनट पहले भेजा जाएगा, उस पर क्लिक करके जो है वो आपने ज्वाइन कर लेना है। वो लिंक जो है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में ओपन होगा और आपको जो है ऑनलाइन इम्तहान की तरफ ले जाएगा। दौरान इम्तहान आपका सिर्फ सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरी ऐप नहीं चलेगी। पेपर शुरू होने से पहले आपने कैमरे के जरिए अपने कमरे का जायजा करवाना है और प्रोक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करना है। प्रोक्टर मसलसल स्टूडेंट्स को कैमरे के जरिए देख रहा होगा। इस पूरे इम्तहान के दौरान आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, यानी इसमें नकल वगैरह का कोई जो है वो चांस नहीं है। आपने खुद ही इम्तहान देना है और इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो सेफ एग्जाम ब्राउजर, उसके अलावा आपके कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज 8.1 या विंडोज 10 होनी चाहिए, आपके पास कैमरा हेडफोन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए ताकि बिजली बंद होने की सूरत में आपको दुश्वारी ना पेश आ सके, आपके कमरे में कोई और दूसरा शख्स मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये जरूरी हिदायत हैं जो स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले आप जो है वो मॉक एग्जाम जरूर दें, ताकि आपको पता चल सके कि जो रियल एग्जाम है वो कैसे होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।